एक्चुअली मैं अब यहीं पर रहने वाली हूँ, ठीक है, इन सब से दूर, और मैं इनके साथ भी नहीं जाने वाली हूँ। मेरी कुटिया मेरे लिए बहुत बड़ी महल है और मेरा आदत है रह के ऐसे घर में। आप लोग तो देखे हो, स्टार्टिंग से मैं झोपड़ी में खेली बड़ी हुई और आज यहाँ तक पहुँची। नहीं, आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने अच्छे घर में रहिए, मैं यहाँ रहूंगी। एक्चुअली दोस्तों, ये सारा कुछ मैं मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली कल मेरा भाई आने वाला है और इस टाइम तो मेरे पास रहेंगे मेरे भाई और पापा। और आप लोगों को पता है कि मैं डेली सोचती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती, कोई कुछ भी बोले तो मुझे भाई और पापा की ही याद आती है। और इसीलिए भाई, पापा और गणेश जी के प्यार की वजह से फाइनली मेरे पापा और भाई आ रहे हैं, कल पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मेरे पापा चिकन मटन खाते हैं, आप लोग को पता है, और हमारे मेरे ससुराल में तो कोई नहीं खाता चिकन मटन। इसीलिए मैं सोची मैं अपने नए घर में मैं खुद अपने हाथों से बहुत दिनों के बाद बना के खिलाऊंगी, क्योंकि हमारे वहाँ मेरे पापा खुद बनाते हैं, पता है आपको। यहाँ पर मटन, चिकन, मछली कुछ भी होती थी ना तो मेरे पापा बनाते थे, मम्मी भी नहीं बनाती थी, पापा बनाते थे। तो पापा बनाए मैं बना के खिलाऊंगी। तो वहाँ तो घर घुसाएंगे नहीं वो कढ़ाई, इसलिए कढ़ाई यहीं पर रख देंगे, वहाँ नहीं घुसाते। एक दिन मैं अंडा बनाई थी तो कम से कम 5 बार मुझे उसको घिसना पड़ा था उस कढ़ाई को, इसलिए वे कढ़ाई यहीं पर रख दूंगी मेरी प्यार के महल में। और पापा लोग आएंगे तो मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। तो दोस्तों, कल फाइनली डांसर सनातन आ रहे मेरे घर, ठीक है, अभी घर बना नहीं है अभी यही मेरे लिए घर है। तो दोस्तों, आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।